इंडिया की कश्मीर पर जो पोजीशन है वो बहुत ही वाजे है, फर्म है। इस बात का एहसास म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम और भारत के वजीर खारजा जयशंकर जी के दरमियान जो एक छोटा सा एक्सचेंज ऑफ डायलॉग हुआ उससे आपको अंदाज़ा होगा। पहले देखिए उस क्लिप को, फिर मैं बात को आगे लेकर चलूँगा। India, you're moving forward. You're having elections. You got your problems like we do at home, but you've chosen the democratic path. When it comes to Kashmir, I don't know how it ends, but let's make sure that two democracies will end it differently. And if you can prove that concept here, then I think it's probably the best way to sell democracy. Don't worry, Senator, one democracy will settle it. And you know which one. अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत की जमहूरियत को एक तरह से चैलेंज करते हुए भारत के वजीर खारजा जयशंकर जी से कहा कि जैसा कि भारत में डेमोक्रेसी पर बिलीव है, हमें यकीन है कि भारत आगे डेमोक्रेसी में जा रहा है, लेकिन जब कश्मीर की बात होती है तो हम पर कुछ वाजे करें कि क्या भारत डेमोक्रेसी है या नहीं है। इस तरह की बात उन्होंने की और जयशंकर जी ने जस्ट इन 3 सेकंड्स कहा कि अगर डेमोक्रेसी की बात होती है तो मिस्टर सेनेटर, भारत की डेमोक्रेसी बहुत वाज़े डेमोक्रेसी है और वो अपने तौर पर अपने रास्ते निकालना जानती है। ये जो एक तरह का थोड़ा सा बहुत ही जैसे कहना चाहिए एक तरह का हीटेड डायलॉग, बहुत ही फ्यू सेकंड्स के लिए जो है जो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अमेरिका में तो ऐसे हीटेड डायलॉग सदर ट्रंप और अपोजिशन के दरमियान ऐसे ऐसे खौफनाक होते हैं कि उनको हीटेड कहना भी बहुत छोटा लफ्ज़ है, मगर इस डायलॉग पर जिस तरह भारत के वज़ीर ख़ारजा ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इससे बदलते भारत का हमें एहसास होता है। और जयशंकर जी दुनिया की जो स्ट्रेटजिक पॉलिटिक्स है उसको जानते हैं, उनको समझते हैं, और वो किसी छोटी सतह की बोली हो या बड़ी सतह की बोली हो उसको इमीडिएटली काउंटर कर देते हैं। आई रियली सैल्यूट मिस्टर जयशंकर जी कि आपने इसको किस महारत से, किस खूबसूरती के साथ हैंडल किया। मगर अमेरिका में एक पॉलिटिकल साइंस के क्लेम करने वाले कोई असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक ट्वीट दिया फौरी तौर पर और कहा कि बड़ा रूड था जिस तरीके से जयशंकर जी ने उनको रिस्पॉन्ड किया। मैं वो ट्वीट आपसे पढ़ता हूँ। मिस्टर क्रिस्टोफर ने कहा कि व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजिक लॉजिक फॉर जयशंकर बीइंग रूड टू एन इन्फ्लुएंशियल US सेनेटर, that by being rude you send a deterrent message to other potential interlopers, by being rude you signal you won't compromise under pressure, by being rude you win domestic sport. unhone bahut sare sawal kiya nishan is young chap ne jiska naam shayad Christopher Clary hai, inhone kiya और इन्होंने जवाब दिया था आदित्य राज कौल की एक ट्वीट पर। तो वो खुद अपने तौर पर ये जो यंग चैप प्रोफेसर हैं बड़ी रूड सी बातें करते हैं और उसका जो इमीडिएट जवाब दिया भारत के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस थिंक टैंक ORF के कर्ता धर्ता समीर सारन जी ने, मैं वो ट्वीट भी यहाँ पे पेश करता हूँ फिर अपनी कमेंट्री लेकर चलूँगा। समीर सारन जी ने बहुत उम्दा तरीके से इस यंग चैप को पकड़ा। उन्होंने कहा कि आई वॉज देयर इन द रूम, इट वॉज परफेक्टली
normal banter and a comment from the current day Charlie Wilson needed a response. BTW, by the way, foreign minister to the senator, not Jay Shankar to senator, bad form, restlessness. Thank you, Samir Saran ji. Aapne bahut hi appropriate jawab diya us young chap, assistant professor ko. Usko itna pata hona chahiye ke wo senator hain America ke, Mr. Lindsey Graham. On the other hand, wo foreign minister hain India ke. Aur wo unke liye bade ehtiram se likh raha hai ke ek bade influential senator. Aur unke liye Jay Shankar likh raha hai. Itni tamiz nahi hai inko. ये जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं भाई, हम कैनेडियन, मैं कैनेडियन होने के नाते डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का बहुत कदरदान हूँ, अमेरिकन कैनेडियन जो डेमोक्रेसी है उसका बहुत कदरदान हूँ, मगर दैट डस नॉट मीन कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है. समीर सारन ने बहुत अच्छे अंदाज से बात की कि वो कतन रूड लहजा नहीं है जिस लहजे में जयशंकर ने जवाब दिया था. अगर मैं अपनी राय दूं तो सेनेटर लिंडसे ग्राहम का लहजा उस पूरे जो सेशन में, जो ओवर एन आवर एनकाउंटर था जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर जी, सेनेटर लिंडसे ग्राहम और साउथ कोरिया की फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे थी, एक और एशियन कंट्री की फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पे थी, तो वो जो डायलॉग था वो उसमें लिंडसे ग्राहम का जो रवैया था वो ओवरऑल भी बहुत रूड था कि जैसे डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ उनकी है, जिसको जयशंकर जी ने कई मुकामात पर बताया कि डेमोक्रेसी सिर्फ वेस्ट में ही नहीं होती बल्कि वेस्ट से बाहर जो दुनिया है उसमें डेमोक्रेसी भी अच्छी खासी है और वो ज़्यादा है तादाद में. हम वो क्लिप बाद में आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक ट्वीट आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ. भारत की एक मरूफ जर्नलिस्ट हैं मिस निधि राजदान, जो NDTV में काम करती हैं, और उन्होंने इस पे जो ट्वीट दी और मैंने उनको क्या उसको रीट्वीट करते हुए अपने कमेंट्स के साथ किस तरह पेश किया. पहले मैं निधि राजदान की बात करता हूँ. वो ये कहती हैं कि अहेड ऑफ प्रेजिडेंट ट्रंप्स इंडिया विज़िट, four top senators including Republican Lindsey Graham, who's close to Trump, write to the US Secretary of the State expressing concern about political detention, internet curbs in Kashmir, saying that this has severe consequences also on the CAA NRC. To Nidhi Rajdan, jo ek seasoned journalist hain, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करें या ना करें, लेकिन बहरहाल उनका एक कैरियर है जर्नलिज्म में, मगर सोच उनकी भी वही पैठी है कि किसी तरीके से अमेरिका से एंडोर्समेंट करा लें कि भारत में ये जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है. ये है सारा कैच 22. और ये सिर्फ निधि राजदान का मसला नहीं है, बहुत सारे और लोगों का मसला है. मैं इस पर उस ट्वीट में जिसका मैंने जवाब दिया निधि राजदान को, वो अब मैं वो पढ़ता हूँ. मैंने उनको ये लिखा कि मिस निधि राजदान, डू यू थिंक दैट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वुड पोस्टपोन और कैंसिल हिज विजिट टू इंडिया ड्यू टू दिस लेटर? ऑन द अदर हैंड, अमेरिकन्स कैन ऑल्सो सी द फैक्ट दैट देर इज रिमार्केबली लो लेवल ऑफ वायलेंस एंड जिहादी टेररिज्म इन कश्मीर. इंटरनेट इशू इज ऑलमोस्ट गॉन. अब ये बिल्कुल जो करंट सिचुएशन है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, मिस निधि राजदान हो या लिंडसे ग्राहम हो या इस तरह के जो भारत के बहुत सारे जो लेफ्ट के क्लेम करने वाले राइटर या जर्नलिस्ट हैं जो मेरे नज़दीक लेफ्ट के नहीं हैं, क्योंकि अगर वो लेफ्ट के होते तो अमरीका से ये मदद ना मांग रहे होते हैं, मगर वो अमरीका को प्रवोक करना चाह रहे हैं और अमेरिका से पूछते हैं कि आप अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं तो ये इस पे बात होनी चाहिए. भाई खुद तुम बात कर लो, भारत की अपोजिशन बात कर ले, CAA पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बात हो नहीं रही वहाँ पे. भारत एक फुल डेमोक्रेसी है, खुल के बात हो रही है, लेकिन भारत के ये जो सूडो लेफ्ट के लोग हैं
ये अपने तौर पर जहाँ ज़रूरत होती है अमेरिका के पीछे भागते हैं, और जहाँ फिर ज़रूरत नहीं होती फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ भी होते हैं जब अमेरिका फिर इस्लामिक टेररिज्म के पीछे भागता है तो ये फिर अमेरिका को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। तो किसी एक पोजीशन पे ये लोग ख़ुद खड़े नहीं हो पाते। अब मैं थोड़ी सी कमेंट्री करता हूँ, वही बात जोड़ूंगा जो पहले वीडियो क्लिप में हमने आपको दिखाई कि लिंडसे ग्राहम का जो एक रवैया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को समझने में, ख़ास तौर पर भारत को समझने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जापान, साउथ कोरिया, वो तो बहुत ज़्यादा अमेरिकनाइज्ड अपने आप को क्लेम करते हैं इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में, अगरचे उनका जो कल्चर है वो भारत से ज़्यादा अपने ही इन बॉक्स में रहने वाला कल्चर है। जापान आप चले जाएं, इमिग्रेशन नहीं है बाहर के लोगों के लिए। साउथ कोरिया चले जाएं, इमिग्रेशन नहीं है। और मैं किसी वक्त ये वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, साउथ कोरिया की फॉरेन मिनिस्टर, मुझे हंसी आ रही थी, बड़े फ़ख्र से कह रही थी इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वो तो वेस्ट हैं, अपने आप को वेस्ट समझती हैं। भाई वेस्ट समझना या ना समझना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, डेमोक्रेसी की अपनी नॉर्म्स हैं और डेमोक्रेसी जो है अपनी अपनी नॉर्म्स में आप अपने कल्चर में कैसे उसको निभाते हैं, ये होता है काम। और भारत यही कर रहा है। भारत में डायलॉग पे कोई पाबंदी नहीं, जिसका जो चाहे जी करे वो उस तरह की ट्वीट करता है, वीडियो पे बात करता है, उस पर तनकीद होती है, यही डेमोक्रेसी है। और जिस तरह भारत के अगर कुछ राइट की फोर्सेस हैं वो बातें करती हैं तो लेफ्ट वाले तनकीद करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मगर यहाँ पर वो जो लिंडसे ग्राहम ने शुरू में कहा और उसमें भारत के जो लेफ्ट के लोग हैं या अमेरिका के जो लोग भारत के उस तरह के वो जिनका ख्याल है भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे वो मिस्टर क्रिस्टोफर की जो बात थी, तो उस पर जो मिस्टर जयशंकर ने मज़ीद रिएक्ट किया था इसी कॉन्फ्रेंस में, उसका भी एक वीडियो क्लिप देखिए, फिर मेरी बातचीत आगे चलेगी। I am part of the East, I am part of the South, I am part of the West, I am universal. I am India. Historically, there is a reason why Western democracy were equated. But over a period of time, I think the West needs to outgrow that. Because today, more people live in non-Western democracies than in Western democracies. So, you know, still we are all creatures of habit. So we use shorthand formulations even if they are anachronistic. So I take your point, but I think part of Westlessness is a kind of, the West has to understand this larger rebalance, as I said, the rebalancing, the fact that even democracy today, there are people in other continents who own it and claim it as strongly as people in Europe or North America do. आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, ख़ासतौर पर ट्विटर पे, तो ये जो मिस्टर क्रिस्टोफर, निधि राजदान और इस तरह के जो बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं, जो भारत अमेरिका का एक होली अलायंस है अगेंस्ट कश्मीर, इंडियन कश्मीर कॉस, आई मस्ट से दैट, तो वो जो इनका अनहोली, मैं उसको अनहोली कहूँगा, वो होली लाइंस है भारत के सूडो लेफ्ट का और अमेरिकन्स कुछ ऐसे जो इनके, वो ये अब भारत को बार बार अपने सोशल मीडिया पे ये डरा रहे हैं कि ओहो सदर ट्रंप तो आ रहे हैं, लिंडसे ग्राहम बड़े इन्फ्लुएंशियल सेनेटर हैं, आप इनको नाराज़ ना करें, बड़ा ख़राब हो जाएगा। लिंडसे ग्राहम के बारे में मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा, वो अमरीका की उसमें एयरफोर्स में भी रहे, और बाय द वे वो सदर ट्रंप के जो पहले दो साल थे उनमें उनके दौरान बहुत उनके ख़िलाफ़ थे, और उनके बेतहाशा स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगी, ही इज़ अ रिपब्लिकन, मगर वो सदर ट्रंप की पॉलिसियों के बहुत ख़िलाफ़ रहे लिंडसे ग्राहम, लेकिन अब वो कोई 2017 से उनके बहुत हामी हैं, दैट्स वाई, यही डेमोक्रेसी होती है। लेकिन उनको कितना पता है अफ़गानिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, भारत के बारे में, मैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जिक्र इसलिए लाया कि लिंडसे ग्राहम इस हवाले से भी बहुत जाने जाते हैं कि वो पाकिस्तान के इमरान खान के स्कूल ऑफ थॉट के हामी हैं, और कहा जाता है कि उनकी मदद से ही सदर ट्रंप के साथ जो पहली मुलाकात इमरान खान की हुई थी वो लिंडसे ग्राहम की वजह से हुई थी। लिंडसे ग्राहम का ये ख्याल है कि सदर ट्रंप की वो बहुत हेल्प कर सकते हैं अफ़गानिस्तान में
پیس پروسیس کو لانے میں. تو بہرحال ان کی اگر میں ہسٹری لینڈ سے گرام کی دیکھوں تو آئی ڈاؤٹ کہ ان کو افغانستان یا پاکستان کے مسائل کا گہرا پتہ بھی ہے. بہرحال اینی ہاؤ, لیکن جے شنکر جی کو پتہ ہے, ان کو جو ڈرانے کی یا بھارت کو جو ڈرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بھارت کے سوڈو لیفٹ کے لوگوں کی طرف سے, اور پھر ان کے ساتھ جو انہولی الائنس امریکہ میں کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس کا بنا ہوا ہے. لیکن جے شنکر جی کو اندازہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے بھارت امریکہ کی من مانیاں کرنے کے باوجود اپنے رستے خود ہی نکالتا رہا, تو آج کے ماڈرن ورلڈ میں جب کہ بھارت بہت آگے نکل چکا ہوا ہے, امریکہ کیا بھارت کی ناراضگی افورڈ کر سکتا ہے؟ اب یہ کوسچن ہے. اب یہ نہیں ہے کہ کیا انڈیا یا یعنی بھارت امریکہ کی ناراضگی کو افورڈ کر سکتا ہے یا نہیں, اب معاملہ الٹ بھی ہے کہ کیا امریکہ بھارت کی ناراضگی کو افورڈ کر سکتا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, چونکہ یہ ٹریڈ کے ساتھ, اکنامکس کے ساتھ, اسٹریٹجک الائنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے ساتھ بہت کام کر کے دیکھ لیا, اور اینڈ رزلٹ کیا ملا کہ اسامہ بن لادن ان کی بغل میں بیٹھا ہوا تھا. اینڈ رزلٹ یہ ملا کہ امریکن جتنی بڑی کیجولٹیز اور نقصانات ہوئے ہیں افغانستان میں, اس کے پیچھے ڈائریکٹ یا انڈ ڈائریکٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. یہ بات لنڈسے گرام کو شاید اتنی سمجھ نہ آئے, مگر صدر ٹرمپ کو کسی حد تک سمجھ آتی ہے اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بہت سمجھ آتی ہے. ان کو اب یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ ایسے نہیں چلے گا, ہم بھارت سے الگ ہو کے نہیں چل سکتے. صدر ٹرمپ کا جو دورہ آ رہا ہے بھارت کا 24-25 فروری کو, اس میں بھی ان کو اندازہ ہے کہ اس میں صرف بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس یا ٹریڈ کا ہی رشتہ نہیں ہے, جو اسٹرانگ بھارتی کمیونٹی ہے, ڈائسپورا ہے امریکہ میں, ان کے ووٹ بھی چاہیے, ان کی فنڈ ریزنگ میں مدد بھی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ امریکنز کے لیے اس وقت بھارت زیادہ بڑی ضرورت ہے ایز اپوز ٹو کہ بھارت کو امریکہ کی زیادہ ضرورت ہے, چونکہ بھارت نے امریکہ کی مدد کے بغیر ہی گزشتہ 65-70 سال میں کافی ترقی کر لی. اب دنیا ایک گلوبل ویلج ہے, بہت عرصے سے ہے. اب اگر امریکنز یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا اصل دوست کون ہے, امریکنز کا اصل دوست بھارت ہی ہے اس ریجن میں, ان کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی ریلائبل بھارت ہی ہے, تو وہ اپنی اگنورنس سے یا اپنے روڈنیس سے بھارت سے بہت دور نہیں جا سکتے. کشمیر کے مسئلے پہ امریکنز نے بہت کوشش کی پاکستان کو خوش کرنے کے لیے, عمران خان کو, بیکاز پرانا رشتہ ہے, اس میں دراڑیں بھی آئیں رشتے میں, مگر اس کے باوجود افغانستان کا لالچ بھی ہے, خیال یہ پاکستان اس کو حل کرنے میں امریکنز کی مدد کرے گا. پھر ان کی اپنی نیونیس بھی ہے امریکنز کی, کہ وہ کشمیر کی میڈیشن, کشمیر پہ بات کرتے رہتے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتہ معاملات کا, لیکن وہ بات کرتے رہتے ہیں. لیکن جیسا کہ آج میرا جو پریسائز ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے تمام تر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کہنے کے باوجود بھارت کی پوزیشننگ آن کشمیر بہت فرم ہے. بھارت میں جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب کشمیر کا وزٹ بھی کر رہے ہیں, اور ایک ایسے ہی ریسنٹ وزٹ کی میں آپ سے ویڈیو کلپنگز اے این آئی کی کٹسی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. It was a meeting which was also done, I guess, last time when the first group of ambassadors went to Kashmir and Jammu, and this was also done now with the second group. I think it's a wrapping up where you can meet again State Secretary, Foreign Secretary, and the National Security Advisor. And so it was the same group, and we also exchanged our experiences which we have done there. So it was a good meeting. Impressions from the visit to Kashmir, Jammu Kashmir, and how we saw the situation, what was our ground feeling and so forth. So I think we had a very nice interaction, and we also
I mean, somebody described yesterday that we went for tourism, which was not really the case. We were there to see things on ground. I think we are all encouraged by the steps are being taken up there and how far the future is now coming back. So it was really important. It was really good for 25 envoys, a very good opportunity to go there and see the valley for themselves, to talk to people. I think it's always good, you know, to have a first account of the situation there. So it was very good and eye-opening. तो आपने वीडियो क्लिपिंग्स देखी जो रिसेंटली भारत में डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने उनके एक डेलीगेशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया उसके बारे में उनकी राय काफ़ी पॉजिटिव है. उनकी राय से हटकर भी कॉमन सेंस की बात है कि 5 अगस्त से बाद अब तक इमरान खान के बहुत वावेला मचाने के बावजूद प्रोपेगेंडा करने के बावजूद कोई आपको वीडियो क्लिप्स नज़र नहीं आएंगे जबकि भारत के दुश्मन भारत के अंदर रहने वाले भारत के दुश्मन और भारत से बाहर भारत के दुश्मन उनकी पूरी कोशिश है कि वीडियो क्लिप्स दिखाए जाएं वहाँ पे जैसा कि इमरान कहते हैं कि जैसे ही कर्फ्यू उठा तो वहाँ पे खून की नदियाँ बह जाएंगी. कर्फ्यू भी उठ चुका इंटरनेट पे पाबंदी भी ख़त्म हो चुकी और ये बात ऑन रेकर्ड है कि कश्मीर में इस वक्त जो वायलेंस का लेवल है वो लोएस्ट लेवल है अगर आप देखें फॉर द पास्ट 30-40 ईयर्स खासतौर पर 1989 के एक्सोडस ऑफ कश्मीरी हिंदूज के बाद लोएस्ट लेवल है इस वक्त और उस यानी वायलेंस नहीं है बहुत कम है और उसके साथ साथ जिहादी टेररिज्म इतनी कम हो गई और जिहाद में इन्वॉल्वमेंट जो थी हर आए रोज़ पहले अगर 5 अगस्त से पहले जाएं हर आए रोज़ वहाँ के वो जो जहादी ट्रबल शूटर्स थे वो जिनके बारे में कहा जाता था कि चांद 100 लड़के हैं वो हर वक्त पत्थर ही फेंक रहे हैं हर वक्त वो गोलियां बरसा रहे हैं और अब वो सारा मंजर गायब हो रहा है. कहना ये है पाकिस्तान का या भारत में ये जो सूडो इंटेलेक्चुअल है कि भई ये जब मुकम्मल आज़ादी होगी जब लीडर बाहर आ जाएंगे जो इस वक्त कैद में हैं कश्मीरी लीडर्स तो फिर देखना यहाँ क्या होगा. लीडर वो इसलिए कैद हैं कि वो डबल फेस लीडर्स हैं. बहुत सारे वैसे आ भी चुके हैं चंद एक मशहूर नाम रह गए हैं जिनके बारे में फ़िक्र होती है अपोजिशन की वो भी इवेंचुअली बाहर आ जाएंगे और लेकिन कश्मीर वाकई ही सालों के बाद पहली बार एक पुरसकून जगह नज़र आ रही है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह वहाँ पर वायलेंस या जिस तरह टेररिज्म का स्पिल ओवर हो सकता था उसको जिस वाइजली तरीके से 5 अगस्त के बाद कंट्रोल किया है उसको अप्रिशिएट सिर्फ मैं ही नहीं करता ये फॉरेन डेलीगेट्स भी कर रहे हैं जो डिप्लोमेट्स हैं भारत में रह रहे हैं वो भी कर रहे हैं. अभी आपने वीडियो क्लिप्स में 3 एम्बेसडर्स की बातें भी सुनी और भारत इतने पुराने इतने बड़े प्रॉब्लम को स्लोली एंड ग्रेजुअली किस तरह हैंडल कर रहा है उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है. इसीलिए जयशंकर जी हों अमित शाह हों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों वो कश्मीर की पोजीशन पे फर्म है कि जो इस बार कर दिया कश्मीर में वो कश्मीर की और भारत की और मैं कहूँगा रीजन की बेहतरी के लिए है और वही रहना चाहिए. यही बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक जलसे में कही. वीडियो क्लिप देखिए उनका. आज़ादी के लंबे कालखंड तक इस आखिरी पायदान को बनाए रखा गया क्योंकि इसकी समस्याओं को सुलझाने में नहीं उलझाने में ही राजनीतिक हित सिद्ध होते थे. लेकिन अब स्थितियां बदल रही है देश बदल रहा है. जो आखिरी पायदान पर रहा है उसे अब सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. महादेव के आशीर्वाद से देश आज वो फैसले भी ले रहा है जो हमेशा पीछे छोड़ दिए जाते थे. जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला हो या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बरसों से देश को इन फैसलों का इंतजार था. देश हित में ये फैसले जरूरी थे और दुनिया भर के सारे दबावों के बावजूद इन फैसलों पर हम कायम हैं
और कायम रहेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाजह तौर पर कहा कि ये वो फैसले थे जिनका देश को 70 साल से इंतज़ार था और बिल आकर ये फैसले सामने आए और इन फैसलों से वापसी का कोई इम्कान नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने क्लिप में जो बातें की उसमें मेरी कमेंट्री के बग़ैर उनकी अपनी बातें इतनी वाजह हैं कि उसमें मैं नहीं समझता कि मैं कुछ उसमें इजाफा कर सकता हूँ। आज का बिला तकल्लुफ तजिया देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।